आज के वीडियो में दोस्तों हम ग्लूकोमीटर के बारे में जानेंगे। ग्लूकोमीटर का यूज प्रॉपर तरीके से कैसे करना है और कौन सी बात आपको ध्यान में रखनी है और ब्लड शुगर का नॉर्मल वैल्यू कितना होता है वो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल एडवांस टेक्नोलॉजी पर। और मेरी चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों सबसे पहले हम ब्लड शुगर लेवल के नॉर्मल वैल्यू की बात करेंगे, उसके बाद ग्लूकोमीटर का यूज कैसे करना है वो जानेंगे। दोस्तों ब्लड शुगर नॉर्मली दो यूनिट में मेजर किया जाता है। सबसे पहला जो यूनिट है वो मिलीग्राम पर डेसीलेटर है और दूसरा जो यूनिट है मिली मोल्स पर लीटर है। बट हमारे यहाँ ज्यादातर जो यूनिट यूज होता है वो है मिलीग्राम पर डेसीलेटर। दोस्तों ब्लड शुगर का टेस्ट भूखे पेट और खाना खाने के 2 घंटे के बाद हम जनरली करवाते हैं। तो भूखे पेट ब्लड शुगर का जो नॉर्मल वैल्यू है वो है 70-99 मिलीग्राम पर डेसीलीटर और खाना खाने के 2 घंटे के बाद ब्लड शुगर का नॉर्मल वैल्यू है 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। तो उसके हिसाब से आपको मेजर करना है और आपको ध्यान में रखना है। अगर उससे कम और ज़्यादा है, नॉर्मल वैल्यू से कम और ज़्यादा है, तो आपको डॉक्टर की सलाह तुरंत लेना है। दोस्तों अब हम ग्लूकोमीटर की मदद से ब्लड शुगर का लेवल चेक करेंगे। यहाँ पर मेरे पास ग्लूकोमीटर जो है वो वन टच कंपनी का है और इस मशीन के मदद से मेरा ब्लड शुगर हम चेक करेंगे। दोस्तों ये डिब्बी है, उसके अंदर स्ट्रिप होती है और ये जो स्ट्रिप है उसकी मदद से ही हम ब्लड शुगर मेजर कर सकते हैं। तो दोस्तों डिब्बी को आपको प्रॉपर तरीके से बंद रखना है, अच्छी तरीके से बंद रखना है, क्योंकि इसके अंदर बाहर से अगर हवा दाखिल हो जाती है तो सबकी सब स्ट्रिप आपकी खराब हो सकती है और आपको जो रीडिंग देती है वो गलत देती है। अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से हमेशा बंद रखते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपकी सब स्ट्रिप सही रीडिंग बताएंगे। दोस्तों ये जो है वो लैंसेट है, यानी एक प्रकार की नीडल है जिसकी मदद से हम आसान तरीके से ब्लड निकाल सकते हैं। ये जो है वो लेंसिंग डिवाइस है जिसके अंदर लेंसेट फिट होता है। तो लेंसिंग डिवाइस के अंदर हम लेंसेट को फिट कर देंगे और इसकी मदद से हम अगर उंगली पर से ब्लड निकालते हैं तो हमको डर भी नहीं लगता है और ज्यादा आसानी से ब्लड बाहर निकल आता है। दोस्तों लेंसिंग डिवाइस के ऊपर ये नंबर है, उसको आपकी स्किन के हिसाब से सेट करना है। अगर आपकी स्किन बहुत हार्ड है तो नंबर ज़्यादा रखना है और आपकी स्किन अगर सॉफ्ट है तो नंबर कम रखना है। दोस्तों अब हम जिस उंगली पर से ब्लड निकालना चाहते हैं उस उंगली को सबसे पहले बहुत अच्छे से क्लीन कर देना है। क्लीन करने के लिए अल्कोहलिक पैड या फिर हम स्पिरिट वाले रू का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं स्पिरिट वाले रू का यूज करके मेरी उंगली को प्रॉपर तरीके से क्लीन कर देता हूँ। अब दोस्तों हम स्ट्रिप को डब्बी में से निकालकर मशीन के अंदर लगाएंगे। तो आपको इस तरह से मशीन के अंदर प्रॉपर तरीके से स्ट्रिप को लगाना है। जब भी आप स्ट्रिप मशीन के साथ लगाओगे तुरंत मशीन ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा और उसके डिस्प्ले पर एक ड्रॉप जैसा ब्लिंकिंग होने लगेगा। दोस्तों यहाँ पर जो मेरा लेंसिंग डिवाइस है वो थोड़ा खराब हो गया है। बाकी क्या होता है कि लॉक को आप पीछे कर देते हैं और ये बटन पुश कर देते हो तो तुरंत आपकी नीडल फोर्स से उंगली पर स्पर्श कर देती है और ब्लड बाहर निकाल देती है। यहाँ पर मेरा लेंसिंग डिवाइस खराब हो गया है इसलिए मैं ये लॉक को पीछे करके मेरे हाथ से मैन्युअली उसको छोड़ दूंगा तो मेरा ब्लड बाहर निकल आएगा। तो इस तरह से दोस्तों लेंसिंग डिवाइस का यूज करके आपको ब्लड निकालना है और ब्लड इतनी मात्रा में तो निकाल ही देना है और उसके बाद आपको ये ब्लड को तुरंत वो स्ट्रिप के साथ टच करना है। जब भी आप स्ट्रिप के साथ टच करोगे तो स्ट्रिप जितनी मात्रा में ब्लड लेना है वो उसके अंदर खींच लेगी और उसके बाद आपको 3-4 सेकेंड के अंदर रीडिंग दिखाई देगा। यहाँ पर जो 112 है वो मेरा अभी का ब्लड शुगर लेवल है। दोस्तों यहाँ पर मैंने खाना खाने के 2 घंटे के बाद का ये ब्लड टेस्ट किया है। दोस्तों डिस्प्ले पर जो रीडिंग आया है उसको हम नॉर्मल वैल्यू से कंपेयर करके पता लगा सकते हैं कि हमारा ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा है या फिर कम है और उसके हिसाब से आप डॉक्टर की सलाह और दवाइयाँ ले सकते हो। यहाँ पर दोस्तों खास ध्यान रखने वाली बाबत ये है कि जो लेंसेट हमने यूज किया है उसका एक ही बार हम यूज कर सकते हैं और स्ट्रिप का भी एक ही बार यूज कर सकते हैं और जो अल्कोहलिक पैड हमने यूज किया है वो भी एक ही बार यूज कर सकते हैं। तो इन तीनों को अच्छी जगह डिस्कार्ड कर देना है ताकि बच्चे उसे ले ना
ना पाए। दोस्तों ये चीज आपको बहुत ध्यान में रखनी है। यहाँ पर दोस्तों मैंने वन टच कंपनी का जो ग्लूकोमीटर है उसका यूज किया है। ये कंपनी का जो ग्लूकोमीटर है उसका रिजल्ट बहुत एक्यूरेट है। उसकी स्ट्रिप आपको थोड़ी कंपेयर टू अदर ग्लूकोमीटर से ज्यादा महंगी रहेगी, लेकिन इसका रिजल्ट बहुत एक्यूरेट है। तो आपको ये मशीन लेना चाहिए। अगर आपको ये मशीन परचेज करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर आप ये मशीन को परचेज कर सकते हो। यहां पर दोस्तों मैंने पूरी जानकारी देने की कोशिश की है, फिर भी अगर कोई क्वेरी आपको बाकी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। दोस्तों मेरा ये वीडियो सभी के साथ शेयर करें। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगले नए ऐसे वीडियो के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम।